हमारे क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरखेड़ा में नाली चौक होने की वजह से सड़कों पर भरा पानी, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत नरखेड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के मुख्य रास्ते से गांव के अंदर को जाने वाले रास्ते पर काफ़ी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। रास्ते में पानी जमा है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में जलभराव होने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोपी के घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं और गंदे पानी से होकर निकलने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते का गंदा पानी उनके मकानों के अंदर बढ़ जाता है, जिससे मकान गिरने का खतरा तथा घरों में गंदगी होने से बीमारियां फैलने का डर लगा रहता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ग्राम पंचायत नरखेड़ा के प्रधान से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि नाली खड़ंजों के निर्माण के लिए कार्य योजना में लिखवा दिया गया है। जैसे ही नाली खड़ंजों के लिए पैसा आता है, तुरंत निर्माण करा दिया जाएगा। कहाँ के ग्राम प्रधान है? नरखेड़ा। अच्छा, जो गांव के अंदर गंदगी है, सफाई नहीं हुई है, वजह ऐसी? वो 3 महीने पहले सफाई कराई थी, वो गांव जो पीछे लोहिया में था, वो रास्ता नीचे पड़ गया था, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया था, नाली बंद हो जाती है। सफाई पहले भी कराई थी और अब भी कराई है। अच्छा, जो मेहनत बनी पड़ी है, वो पूर्व प्रधान ने उसे बंद कर रखा पानी को, आपस के विवाद में जनता उसमें बीच में आ रही है, क्या वजह है? वहाँ पे एक बॉर्डर की हवेली है, तो उनमें आपस में रंजिश चल रही है, ये दिक्कत है बस। पूर्व प्रधान जी? अच्छा, उससे आगे वाला रास्ता है, उसकी नाली बंद, चौपट पड़ी है बिल्कुल? हाँ, वो खुलवा दी है हमने। कब? अभी करवाया काम, चकमा। अच्छा, रास्ते में जो पानी भरा पड़ा है, सफा करा दिया।